पिछले लेक्चर में मैंने दंड प्रक्रिया संहिता के उद्देश्य के बारे में सारांश में उसको मैं रिपीट कर देता हूं। पहला उद्देश्य है अभुक्त व्यक्ति का विचार, अभुक्त व्यक्ति का विचारण नैसर्गिक न्याय, नैसर्गिक न्याय नेचुरल नैसर्गिक 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 न्याय के अनुसार होना चाहिए, नैसर्गिक न्याय के अनुसार होना चाहिए, नैसर्गिक न्याय नेचुरल जस्टिस, नेचुरल नेचुरल जस्टिस। इसको पिछले लेक्चर में मैंने काफी विस्तार में बताया था, वर्णित था नेचुरल जस्टिस। नेचुरल जस्टिस क्या है? और दूसरा ऑब्जेक्ट है, दूसरा ऑब्जेक्ट है, तो मैं बहुत सारा बता रहा हूँ, पिछले लेक्चर में बता दिया हूँ डिटेल में, कि अन्वेषण इन्वेस्टिगेशन और ट्रायल, अन्वेषण और विचारण में विलंब टालने के लिए यथासंभव प्रयास करना चाहिए, कम से कम समय में, कम से कम में विचार व अन्वेषण होना चाहिए। अगर अन्वेषण करने में और विचार करने में काफी समय लगता है तो उस जो न्याय मिलता है उस न्याय का कोई अर्थ नहीं होता है। किसी किसी मामलों में अन्वेषण और विचार में इतनी लंबी प्रक्रिया में चला जाता है कि जिस जो व्यक्ति पीड़ित व्यक्ति है उसको न्याय इतना लेट मिलता है कि न्याय का अर्थ ही समाप्त हो जाता है, न्याय का उद्देश्य ही समाप्त हो जाता है। इसलिए यथासंभव अन्वेषण और विचार में विलंब को टालने के लिए प्रयास होना चाहिए, ये इसका उद्देश्य होना चाहिए। अगर काफी विलंब से अन्वेषण और विचार हो रहा है तो उस न्याय के जो महत्व है, न्याय का जो उद्देश्य है वो समाप्त हो जाता है, करीब करीब समाप्त हो जाता है। दूसरी बात यह है कि प्रक्रिया जो होनी चाहिए वो प्रक्रिया सरल ऐसी होनी चाहिए, नंबर एक सरल, दूसरा सुगम, तीसरा क्या होना चाहिए, व्यवहारिक होना चाहिए, व्यवहारिक
ये इसलिए उद्देश्य। अगर इन उद्देश्यों की पूर्ति आप ये दंड प्रतिज्ञा संहिता करती है तो ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है, हमारे लिए उपयोगी है। और इस दंड प्रतिज्ञा संहिता में हर्षक प्रयास किया गया है और भविष्य में तमाम संशोधनों के द्वारा इन उद्देश्यों के प्राप्ति के लिए प्रावधान लाए जाते रहेंगे, तो लाए गए हैं। प्रक्रिया सरल होनी चाहिए, शॉर्ट होनी चाहिए। अब हमारी दंड प्रक्रिया संहिता की विशेषताएं क्या है? सबसे महत्वपूर्ण इसकी विशेषताएं हैं कि न्यायपालिका और कार्यपालिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका। पहले ये था कि न्यायपालिका और कार्यपालिका मिले हुए, उनका अंतर नहीं था, लेकिन इस दंड प्रक्रिया संहिता के द्वारा न्यायपालिका को अलग किया गया, कार्यपालिका को अलग किया गया। न्यायपालिका अपने आप में स्वतंत्र है, कार्यपालिका का क्षेत्र अधिकार दूसरा, न्यायपालिका का क्षेत्र अधिकार दूसरा। सबसे महत्वपूर्ण है, सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है दंड प्रक्रिया संहिता। और दूसरी विशेषता यह है, यदि अभियुक्त जो हिरासत में लिया गया है अगर 90 या 60 दिन के अंदर आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल नहीं किया जा सका तो अभियुक्त को जमानत पर छोड़ दिया जाएगा। इसका प्रावधान है अगर अभियुक्त 90 या 60 दिन के अंदर प्रत्येक विरुद्ध जो भी चार्जशीट है वो न्यायालय में दाखिल नहीं की गई है तो अभियुक्त को जमानत पर छोड़े जाने का प्रावधान है। तीसरा, विचारण के दौरान अभियुक्त जितना दिन जेल में रहता है विचारण के बाद के बाद यदि उसको सजा दी जाती है अपना केस ये मुजरिम सजा आता होता है तो जितने विचारण के दौरान जितना दिन अभियुक्त जेल में रहा है उतने दिन की
उतना दिन कम कर दिया जाता है उसके जैसे एक अभ्युत्र का ने 302 IPC का अपराध किया, ठीक, विचारण के दौरान अगर वो 2 साल जेल में रहा तो उसे न्यायालय के द्वारा जो सजा दिया गया है उसमें से 2 साल कम कर दिया जाए। ऐसा प्रावधान है CRPC, जितना दिन जेल में है उतना दिन उसको छूट दिया जाए दंड के समय, माने जितना दिन जेल में है उसको दंड के रूप में समाहित माना जाएगा। और चौथी विशेषता है अगर व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है, गिरफ्तार किया गया तो उसे गिरफ्तारी का कारण भी बताया जाएगा, यथासंभव यथाशीघ्र गिरफ्तारी का कारण बताया जाएगा जिससे वो अपने विधिक अधिकार के तहत जो उसका उपचार चाहता है और उसको मिल सकता है उसके बिन वो वंचित न रहे। गिरफ्तार व्यक्ति को तुरंत गिरफ्तारी का कारण बताया जाता है वो विदाउट डिले। और यदि अपराध क्या है, बैरेबल है या जमानती है तो इसकी भी सूचना अभियुक्त को दी जाएगी या अभियुक्त से संबंधित व्यक्ति को दी जाएगी कि जो अभियुक्त गिरफ्तार किया गया है जो उसके खिलाफ मामले हैं वो जमानतीय हैं इसकी सूचना उसको दी जाएगी जिससे वो अपने अधिकारों का उपचारों का प्रयोग कर सके। ये दंड प्रक्रिया संहिता में की विशेषताएं हैं। पांचवी ये भी बहुत महत्वपूर्ण है कि धारा 154 CRPC प्रथम सूचना रिपोर्ट अंकित कराने वाले व्यक्ति को अर्थात बादी को प्रथम सूचना रिपोर्ट FI की कॉपी की कॉपी 1 प्रति उसको दी जाएगी। अगर कोई बात नहीं किसी थाने पर जा करके
प्रथम सूचना रिपोर्ट अंकित कराता है, एफआईआर कराता है किसी के खिलाफ, तो अविलंब उसको उस एफआईआर की उस प्रथम सूचना रिपोर्ट की एक प्रति बाली को दिया जाएगा। ये इसकी विशेषता है, बहुत महत्वपूर्ण विशेषता है। नहीं पता नहीं लगे कि क्या रिपोर्ट दर्ज है, किन मामलों में दर्ज है और किनके खिलाफ दर्ज है, और जो हमने बात कहा है वो कहाँ दर्ज है, किस रूप में दर्ज है। तो ये बहुत बड़ी विशेषता है आपकी दंड प्रक्रिया संहिता की। और एक विशेषता और है विशेष, यदि संबंधित थाना आपकी रिपोर्ट दर्ज करने से इनकार कर देता है तो आपका ये राइट है कि आप पुलिस अधीक्षक को डाक के द्वारा अपनी रिपोर्ट दर्ज कराने के संदर्भ में पैरवी कर सकते हैं। पुलिस थाने पे गए, अमुक थाना अध्यक्ष आपकी रिपोर्ट दर्ज करने से इनकार कर दिया, आप कोई बात नहीं सुन रहा है, तो आपको ये राइट है, आप पुलिस अधीक्षक जो आपके जिले के हों, आप भी रिपोर्ट दर्ज कराने के संदर्भ में आप पैरवी कर सकते हैं, एक लिखित सूचना आप पुलिस अधीक्षक को डाक के माध्यम से भेज सकते हैं। और यह यहां भी सुनवाई नहीं हुई तब CR 156(3) दंड प्रक्रिया संहिता धारा 156(3) के तहत के साथ आप संबंधित न्यायालय में जिसको क्षेत्राधिकार हो इस धारा के अंतर्गत 156(3) CRPC के अंतर्गत आप प्रार्थना पत्र संबंधित न्यायालय में दे सकते हैं और वहां से न्यायालय पुलिस आख्या मंगा करके और आपकी बात सुन करके इसके तहत रिपोर्ट दर्ज करने या न दर्ज करने का आदेश पारित कर सकते हैं। मतलब अगर आपकी सुनवाई पुलिस विभाग में नहीं होती है, चाहे थाने में नहीं होती है, पुलिस अधीक्षक के यहां नहीं होती है, तो आप तो एक विकल्प है कि आप न्यायालय में आ जाए और दंड प्रक्रिया संहिता CRPC की धारा 156(3) के तहत प्रार्थना पत्र पेश करके आप रिलीफ पा सकते हैं। होता कभी कभी ऐसा है कि बादी पीड़ित पक्ष थाने में जाता है और किसी विशेष व्यक्ति के प्रभाव के कारण या किसी कारण
उसकी रिपोर्ट दर्ज नहीं होती है। इसके बाद पुलिस अधीक्षक के पास जाता है, वहां भी किसी कारणवश किसी भी वजह से रिपोर्ट दर्ज नहीं होती है, तब वो व्यक्ति न्यायालय में आकर के सीआरपीसी तहत 156(3) तहत एक एप्लीकेशन प्रार्थना पत्र न्यायालय में प्रस्तुत करता है और उसको उपचार लिखता है और संबंधित न्यायालय मजिस्ट्रेट उसको रिपोर्ट दर्ज करने का आदेश पारित करता है। ये आपकी दंड प्रक्रिया संहिता की सबसे बड़ी विशेषता है। विकल्प तौर पर तीन विकल्प है, अगर थाने वाले नहीं सुने तो एसपी के यहाँ, एसपी नहीं सुन रहा है तो न्यायालय। आपकी सुनवाई कहीं कहीं होनी है, आपकी बात में अगर सत्यता है, आपकी घटना में सत्यता है, आप पीड़ित पक्ष हैं तो आपकी सुनवाई अगर थाने पर नहीं, अधीक्षक के यहाँ नहीं, तो न्यायालय में अवश्य होगी और रिपोर्ट आपकी दर्ज होगी और उस मुकदमे की का अन्वेषण होगा, विवेचना होगा और वो अभियुक्त के खिलाफ चार्जशीट आएगी और विचारण का न्यायालय में किया जाएगा, उसको उचित दंड मिलेगा। ऐसा नहीं कि बिना सुनवाई नहीं होती तो आप असहाय स्थिति नहीं, बाधित स्थिति जो है असहाय स्थिति नहीं। ठीक, यदि कोई व्यक्ति दूसरी विशेषता है, यदि कोई व्यक्ति न्यायालय के क्षेत्राधिकार के बाहर गिरफ्तार किया जाता है तो उसे जहां गिरफ्तार किया जाता है उस न्यायालय के क्षेत्राधिकार में 24 घंटे के अंदर अवश्य पेश किया जाए। जैसे कोई अभियुक्त अंबेडकर नगर में अपराध करता है और गिरफ्तार होता है, कहां? चित्रकूट में। ठीक, चित्रकूट में यहां का अभियुक्त गिरफ्तार होता है तो वहां, क्योंकि न्यायालय अंबेडकर नगर का है, क्षेत्राधिकार यहां का है, इसी न्यायालय में पेश करना चाहिए। लेकिन अभियुक्त का यह राइट है कि जहां उसे गिरफ्तार किया गया है उसी न्यायालय के जुरिस्डिक्शन में आप 24 घंटे के अंदर उसको पेश करें, तब जो रिमांड जारी करें तो आप यहां पर आएंगे। ठीक है, प्रस्तुत किया जा सकता है। ये नहीं है कि चित्रकूट में गिरफ्तार हुआ वहां से लेके यहां हो जाए, आपको वहां भी न्यायालय में पेश कर सकते हैं कभी। और सबसे महत्वपूर्ण, अभियुक्त अगर गरीब है, असहाय है, उसको विधिक सहायता न्याय पाने के लिए उसको निःशुल्क अधिवक्ता, जिसको बोलते हैं न्याय मित्र, एमकेस क्यूरी बोलते हैं, न्याय मित्र उसको दिया जाएगा और जो अधिवक्ता न्याय मित्र नियुक्त होंगे उनका खर्चा राज्य सरकार देगी, राज्य सरकार मुकदमा भी लड़ेगी अभियुक्त के खिलाफ, उसमें भी खर्चा लगेगा राज्य सरकार का। देखो भाई ऐसे है, नेचुरल जस्टिस यही है, एकदम बहुत क्लियर कॉन्सेप्ट है इसका न्याय मित्र के माध्यम से, कि राज्य सरकार आपके खिलाफ विचारण में पैसा लगा रही है, अब आप गरीब भी हैं तो आपको बचाने के लिए भी पैसा लगा रही है,
दुरुत्तम माने आपको दंड देने के लिए पैसा लगा रही है। अगर आप गरीब हैं, असहाय हैं, पीड़ित हैं, तो आपको बचाने के लिए भी पैसा लगा रही है और न्यायमित्र की नियुक्ति करती है। वो न्यायमित्र आपकी पैरवी करेंगे जिसका भुगतान राज्य सरकार करेगी। बताइए उधर से और इधर से दोनों का दायित्व राज्य सरकार का है। किसी को कहते हैं नेचुरल जस्टिस, नैसर्गिक न्याय। कोई भी गरीब असहाय न्याय से वंचित न रहे कि नहीं कि आपके पास पैसा नहीं है आपको न्याय नहीं मिलेगा। ठीक है ना। अब कार्यपालक जो मजिस्ट्रेट है उनका क्षेत्राधिकार निश्चित कर दिया है। कार्यपालक मजिस्ट्रेट 60% दीजिए मजिस्ट्रेट। अब आज क्या करते हैं वो केवल सीआरपीसी की धारा 133 107 116 144 145 के अंतर्गत ही अपनी शक्तियों का प्रयोग करेंगे और जो भी और हैं वो न्यायालय संदर्भ में इनको जोड़कर कितना ही है। कार्यपालक मजिस्ट्रेट जैसे एसडीएम डीएम कमिश्नर ये लोग कार्यपालक और ये विशेषता आपकी दंड प्रक्रिया संहिता की है। और सबसे बड़ी विशेषता ये है कि पहले सेशन अगर कोई मामला ट्रायल वाली सेशन आता है डॉक्टर